दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और हम सभी को गर्मी से एकदम परेशान हो चुके हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस गर्मी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आपकी कुछ गर्मी की जो प्रॉब्लम है काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपको कम पैसे भी लगेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गर्मी को दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज होता है कि घर में लगा लो एसी। लेकिन आप मुझे बताइए कि एसी का जो प्राइस होता है क्या वो 2-3 हजार रुपए में आप एडजस्ट कर सकते हो कि 2-3 हजार रुपए का ले लिया और आपका काम हो जाएगा? क्योंकि एसी का प्राइस स्टार्ट होता है कम से 20-25 हजार रुपए सर। तो 20-25 हजार रुपए सिर्फ 2 महीने के लिए डालना मुझे नहीं लगता कि वर्थ होता है। सिर्फ 2 महीने, ज्यादा करके इस हमारे इंडिया में गर्मी होती है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि आप एसी भी लगा लोगे तो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होती है, आपकी जो लाइट का बिल होता है वो भी काफी बढ़ जाएगा। तो इसमें आप करें तो करें, क्या करें? तो मेरे हिसाब से आपके घर में सीलिंग फैन तो होगा ही, तो सीलिंग फैन के साथ साथ आप अगर आप एक पेडेस्टल फैन जो होता है, जिसको आप स्टैंड फैन भी बोल सकते हो, वो अगर आपके घर में लगा लेते हो उसके आपके सीलिंग फैन के साथ, तो आपका काम बन जाएगा। आपको काफी अच्छा कूलिंग आपके घर में मिलेगा और गर्मी थोड़ी दूर हो सकती है कम प्राइस में। और पेडेस्टल फैन की प्राइस की बात करूं तो आपको 2,000 या 3,000 के आसपास मिल जाएगा, उससे भी कम, और उसके अलग अलग रेंजेस होते हैं। तो बेस्ट रिकमेंडेड पेडेस्टल फैन जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन होगा कि आप अपने घर में कूलर लगा सकते हो। तो कूलर का प्राइस भी ज्यादा नहीं होता आपको, मतलब 3-4 हजार या 5 हजार के आसपास आपको अच्छा कूलर मिल जाएगा और आपका लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा और हर साल आप सिर्फ गर्मी के महीने में यूज कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए और आपका पैसा भी ज्यादा नहीं जाएगा। और मेरे बेस्ट रिकमेंडेड कूलर जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो भी आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और कूलर के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करो तो उसमें भी आपका कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा, लाइट का बिल ज्यादा नहीं आएगा, तो जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कूलर लगाने का। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं छोटे फैन की, मतलब आपके घर में अगर सीलिंग फैन तो है तो आप एक छोटा सा स्टैंड फैन भी लगा लीजिए, सेकेंडरी फैन, जिसके थ्रू आपको कूलिंग आपके फेस पे या आपके बॉडी पे या जब आप सो रहे हो खास करके, तो इससे आपका जो गर्मी है काफी हद तक कम हो जाएगी। और दोस्तों, अगर मैं कंपेयर कर लूं पेडेस्टल फैन, स्टैंड फैन और कूलर को, तो ऑफ कोर्स आपको कूलर काफी अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है दोनों में कूलर का ज्यादा होगा। आपका जो लाइट का बिल है उसके थ्रू ज्यादा आ सकता है अगर आप रेगुलरली कूलर यूज करते हो। तो पेडेस्टल फैन इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि अगर आपको आपका लाइट का बिल सेव करना है। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप एयर कंडीशन ले सकते हो, और मेरे बेस्ट रिकमेंडेड एयर कंडीशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ लिंक्स, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और वहां से आप परचेस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एयर कंडीशन ले रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान रखें कि आपका जो लाइट का बिल है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उससे काफी हद तक बढ़ जाता है, और एक बार आपको आदत हो गई एयर कंडीशन की तो वो आदत जाती नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बढ़ जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज कि सिर्फ गर्मी हमें 2-3 महीने तक ही होती है, तो बाद में साल भर आपका यूज नहीं होगा, तो 2-3 महीने के लिए मुझे लगता है ये इतने पैसे डालना चाहिए, बाकी आपके पैसे आपका डिसीजन कुछ आपका ही होता है। और दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि कुछ इसके ऊपर मैं कुछ डिटेल वीडियो बनाऊं, कि स्पेसिफिक अनबॉक्सिंग करूं या कोई प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं, तो आपको एक काम करना होगा। मेरा काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो बस लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर देना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड।